नमस्कार। राजस्थान में भाजपा छोड़ने वाले तिवारी की पार्टी सभी विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा। पिछले दिनों भाजपा छोड़कर भारत वाहिनी पार्टी बनाने वाले राजस्थान के वरिष्ठ नेता घनश्याम तिवारी ने मंगलवार को भाजपा को झटका देते हुए चार पूर्व विधायकों, एक पूर्व आईपीएस अधिकारी और संघ के स्वयंसेवकों को अपने साथ जोड़ा है। मंगलवार को जयपुर के बिरला सभागार में आयोजित भारत वाहिनी पार्टी के लिए पहले प्रतिनिधि सम्मेलन में भाजपा के पूर्व विधायक भंवरलाल राजपुरोहित, गुलाब सिंह राजपुरोहित, डॉक्टर मूल सिंह और नारायण राम बेड़ा सहित संघ के कई स्वयंसेवकों ने तिवारी का सहयोग देने की घोषणा की है। इन सभी नेताओं ने भारत वाहिनी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। पूर्व आईपीएस अधिकारी पीएन रचोया सहित राज्य सरकार से सेवानिवृत्त हुए आधा दर्जन अधिकारियों ने भी भारत वाहिनी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है। सम्मेलन को संबोधित करते हुए तिवारी ने प्रदेश की सभी 200 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा की है। तिवारी ने कहा कि अगले कुछ दिनों में भाजपा सहित अन्य राजनीतिक दलों के कई नेता भारत वाहिनी पार्टी में शामिल होंगे। राज्य सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि वर्तमान में देश और प्रदेश में अघोषित आपातकाल के हालात बन गए हैं। भाजपा में कार्यकर्ताओं की उपेक्षा की जा रही है, मंत्रियों और विधायकों को बोलने और काम करने की स्वतंत्रता नहीं है। उन्होंने कहा कि मंत्री तो मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की नाराजगी से भयभीत और विधायक मौन रहते हैं। विधानसभा में सत्ता पक्ष में कर्फ्यू जैसे हालात हो गए हैं। ऐसे ही देश दुनिया की ताज़ा खबरों के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।